देखो बच्चों, हरिहर काका ये आपकी संचयन का सबसे पहला चैप्टर है और इसकी जो चैप्टर्स हैं इसका मैंने आपको इसकी वीडियो भेजी है और उसमें भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से। और अब हम इसको इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्लास 10th है और क्लास 10th के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना उतना ही जरूरी है जितना आप चैप्टर को रीड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखें एक बार, और देखने के बाद मैं इसको अभी बता देता हूँ कि जैसे हरिहर काका है चैप्टर, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको कम से कम पढ़ने में 1 वीक लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको एक ही दिन में पढ़े, पर ये जरूरी है कि सभी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप जब इसको देखोगे तो बहुत बड़ा मिलेगा, और इसमें क्वेश्चन आंसर को भी क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है तो वैसे ही होता है। पर आप अगर इसको पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ओनली 3 चैप्टर है, उन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो हरिहर काका पर बहुत ज्यादा फोकस होगा, ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा फोकस इसी चैप्टर पर होता है। और ये जो चैप्टर है इसको मैं बता दूं, ये थोड़ा एक देहाती, बिहार के एक देहाती लैंग्वेज में ज्यादा प्रयुक्त किया गया है, इसमें बहुत सब उस तरह के शब्द हैं। तो मैं इसको, क्लास चलेगी तो मैं पढ़ाऊंगा, पर मैं यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में। और इसके क्वेश्चन आंसर जो अगर आप अभी लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको तब नहीं लिखने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कुछ ही बच्चे लिखे कुछ नहीं। अब देखो हरिहर काका में क्या है कि एक गांव के लोग होते हैं किसान को, और किसान के कुछ इसके जो भाई बहन होते हैं वे उठा लेते हैं इसकी जमीन के लिए, उधर से मंदिर के महंत लेकर के चले जाते हैं। तो इसकी स्थिति एक दयनीय हो जाती है कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो जाती है, बीच में पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो पुलिस भी क्या करती है, आकर के दोनों साइड से पैसा लेती है और क्या करती है कि इसकी हेल्प नहीं करती, और फिर दूसरे की जमीन के बारे में दूसरे के ऊपर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए उसको ऐसा करना चाहिए। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है, इसके क्या कारण है। तो इसके क्वेश्चन आंसर ये देख लेते, कथावाचक और हरिहर काका के बीच में संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक एक गांव के कथावाचक है जो आते हैं कथा कहने के लिए, और हरिहर के बीच मधुर आत्मिक गहरे संबंध है। इस संबंध में मुख्य कारण के कथावाचक और हरिहर काका का पड़ोसी होना। बचपन में हरिहर काका को का कथावाचक को खूब प्यार और दुलार देना, और बड़ा होने पर कथावाचक और हरिहर काका का आपस में मित्रता का संबंध स्थापित हो जाना, जिसके कारण हरिहर काका और कथावाचक आपस में खुलकर बातचीत करते थे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे। श्रेणी मतलब एक ही लेवल, एक ही समान के। हरिहर काका और महंत जो मंदिर के जो महंत है, पुजारी कह दो, पर ओहदा पुजारी से ऊपर होता है महंत का। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। हरिहर काका निसंतान थे, उनके हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन थी। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की इस उपजाऊ 15 बीघे जमीन को अपने कब्जे में करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ने पहले तो काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। जब उससे अपनी बात नहीं बनी तो उसने अपनी ताकत का प्रयोग करना शुरू किया। दोनों ही उसके लिए जमीन को हथियाने के लिए, ये ई का मात्र है आगे वाली याद रखना, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इसलिए हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। तो ठाकुर बारी, अब नेक्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। सबसे तो पहले अब हम ये देख लेते हैं, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किसी मनोवृत्ति का पता, किस मनोवृत्ति का पता चलता है। मनोवृत्ति यानी मन की जो सोच है, उनकी थिंकिंग है, लोगों की थिंकिंग क्या है। अब ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में तो अपार श्रद्धा है, पर उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। कैसे, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार यानी बहुत ज्यादा श्रद्धा के भाव थे, उससे गांव वालों की ठाकुर के, ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर को, जैसे स्वामी नारायण का मंदिर है उसको भी हम ठाकुर जी का मंदिर कह सकते हैं। तो ठाकुर जी के प्रति अगाध विश्वास, भक्ति भावना, ईश्वर में आस्तिकता और एक प्रकार की अश्रद्धा जैसे मनोवृत्तियों का पता चलता है। क्योंकि
क्योंकि गांव वाले अपनी हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय ठाकुर बारी को ही देते हैं। देखिए ठाकुर जी की कृपा है, आप पास होते हो तो बोलते हो भगवान की कृपा है, ठीक है आपका कोई अच्छा कार्य हो भगवान को अहमियत रखते हो तो भगवान को भी लगता है कि मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है और ये मुझे कितना भाव दे रहा है, इसके ये मेरे प्रति कितना है, तो सुरक्षा कर रहे हम अपनी सुरक्षा किसको सौंप रहे, ईश्वर को। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें पाला पोसा है, उसी ने हमें पालने पोसने के लिए हमें माँ बाप दिए, तो उसी ने हमें ये अच्छी दुनिया दी। तो क्या है कि अपना श्रेय किसको देते थे, ठाकुर बारी जी को देते थे। अब अनपढ़ होते, अब फोर क्वेश्चन देखिए, फोर क्वेश्चन भी यही है, मैं आपको सेम क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको वो किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा ना रहे। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया को बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ठाकुर बारी के प्रति अनपढ़ होते हुए हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सबको पता है कि भले ही कोई इंसान अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वो समाज से दुनिया से बहुत ज्यादा सीख लेता है, दुनियादारी की उसको समझ आ जाती है। हरिहर काका अनपढ़ थे फिर भी दुनियादारी की बेहद समझ थी, वे यह जानते थे कि जब तक जमीन उनके पास है तब तक उनका सभी उनका आदर करेंगे। सीधी सीधी बात है, ठीक है घर बनाना भैया पैसा से बड़ा रुपया, तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी, पैसे की, जमीन है तो पैसा है, तो जर जमीन जिसके पास है उसका आदर होता है, जर कहते हैं धन को। जब तक सब उनका आदर करेंगे, उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में भी दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आते थे। काका ने नाग की यानी नरक के जीवन को जीते देखा, क्योंकि जब क्या है कि जब परिवार नहीं होता तो एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है उसकी सहायता नहीं करते लोगों को, लोग इंसान मतलब ही हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि एक दिन आज उनका है तो कल दूसरों का भी होगा, आज वे इस बात को परेशान हो रहे हैं कल वे इस बात को परेशान होंगे, आज हम इस चीज के लिए चल रहे कल उनको भी इस बात को झलना पड़ेगा, आज बुढ़ापे में आकर के हमारी दशा होगी कल को उनकी भी दशा होगी, आज जो हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं कल को भी अपने बच्चों से क्वेश्चन करें, तो ये इंसानियत वाली बात होती है। इसलिए उन्होंने ठान लिया चाहे मेहनत उत्साह चाहे भाई दिखावा करे वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। इस बात से स्पष्ट होता है कि काका अनपढ़ होते हुए भी दुनियादारी की बेहतर समझ रखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं आगे। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। हरिहर काका को जबरन उठाने वाले कौन थे, मेहनत के आदमी थे, वे रात के समय हथियारों से लैस होकर आते हैं और हरिहर काका को ठाकुर बारी उठाकर ले जाते हैं, वहां उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उनको एक काल कोठरी में उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन 5 हुआ, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। हरिहर काका के मामले में गांव वालों के क्या राय थे, उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में गांव वाले अलग अलग पक्ष में बट गए, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग मेहनत की तरफ जो थे, जो चाहते काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुर बारी को दे देता, तो अपनी जमीन जो है भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर को दान कर दे ताकि उन्हें सुख आराम से मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले, यह सोचकर उनके धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुर बारी से मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद के कारण थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग क्या है, प्रगतिशील विचारों के थे। प्रगतिशील विचार किसे कहा जाता है कि जो आगे तक की सोच रखा हो, एक अच्छी सोच हो, एक एजुकेशन रिलेटेड सोच हो। उनका मानना था काका जमीन परिवार वालों को दे देनी चाहिए, उनका कहना था कि इससे उनका परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना एक अन्याय होगा, क्योंकि इस तरह के दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ परिवार एक तरफ मंदिर, तो काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि उनको क्या होगा, पर उनकी सिर्फ जमीन की चिंता, वो इंसान भूखा रहे। अब इन बातों का एक और कारण यह कि काका विदुर थे, विदुर माने उनकी शादी तो हो चुकी थी परंतु क्या है कि पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, कोई उनके संतान भी नहीं थी। अब ये इंसान ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट करेंगे लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। अज्ञान
अज्ञानी की स्थिति में भी मनुष्य मृत्यु से डरता है, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तत्पर हो जाता है। यानी अज्ञान किसको कहा गया? अज्ञानी मनुष्य मृत्यु से डरते हैं और ज्ञानी मनुष्य मृत्यु से नहीं डरते, तो ऐसा क्यों कहा गया कहानी के आधार पर? अब हरियर काका जब भाई और महतो की असलियत पता चली कि भाई उनको लठियाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं जमीन के लिए, महंत भी वही कर रहा है, हाथ पैर बांध करके अनाज की काल कोठरी में बंद कर रहे हैं, तो जिन्हें परिवार वालों के मोहमाए में फंसकर जमीन उनके नाम कर दी तो मृत्यु को तिलकिल तक मरते रहे, दान तो मुमताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि तरह तरह से एक बार मरने सच्चा की कथा काका को मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है यह पता चल चुका है, इसलिए वे महंत अपने भाई को दिखावे धमकाने को भी अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब इंसान अज्ञानी तब तो वो डर जाता है मृत्यु से, जब उसको दिख रहा है मरना है, जमीन जब भी नहीं देनी, मर जाऊंगा पर जमीन नहीं दान करूंगा, तो फिर उसको कौन डरा सकता है। लेखक ने कहा कि ठीक है, मनुष्य समाज की समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस चैप्टर से इस विषय पर विचार प्रकट करिए। ऐसा नहीं है कि 80% आज भी इंसानियत लोगों में जिंदा है, 20% में ये नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि कुछ राजनेता लोग कुछ राजनीति के कारण लोगों को भटका देते हैं, हिंदू मुस्लिम एक करा देते हैं, भाई भाई की करा देते हैं, ठीक है, परिवार क्या कर देता, कुछ कई कई बार रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो समाज में रिश्तों का नाता विशेष स्थान है, सामाजिक जीवन को सुचारू रखने के लिए इसकी महत्व को कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पति पत्नी का है, भाई बहन का है, माँ बाप का है, पुत्र का है, पत्नी का है, बहन का है, ठीक है, मामा का है, तो ये सब इस तरह से रिश्ते हैं, इनका एक विशेष स्थान है हमारे समाज में। तो ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, ये बात सच है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। आए दिन हम अखबारों में समाचार में पढ़ते हैं जमीन जायदाद पैसे जेवर के लोग हत्या जैसे घृणित कार्य से भी नहीं कतराते, और ये हत्या भी अपने संबंधी अपने रिश्तेदारों संबंधी को कर लेते, कई बार हम कहते रिश्ते संबंधी अपने बहन के बच्चों को किडनैप कर लिया जमीन के लिए, उनसे फिरौती की रकम मांगी। इसलिए तो कहानी के हरियर काका जैसे लोगों को अपने खून के रिश्ते से बचने के लिए भी पुलिस की सहायता आवश्यकता पड़ती है। अब ये चैप्टर क्या है कि ये एक समाज पे ऐसी गहरी चोट है, समाज पर ऐसी व्यंग करता है जो समाज की असलियत है, उसको भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब रिश्तों पर स्वार्थ माने लोग एक द्वेष एक नफरत का रंग चढ़ जाता है तो सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं रिश्ते होने के बावजूद। यदि आपके आसपास हरियर काका जैसे हालात में कोई हो तो उसके उसे किस प्रकार में मदद करेगी? तो अब देखो, अब आपसे पूछा गया आपकी सोच आपकी थिंकिंग के बारे में। यदि आपके पास हरियर काका जैसे कोई इंसान है, कोई बुजुर्ग है, कर नहीं सकते, उनके साथ ऐसा हो रहा, तो आपको क्या करनी चाहिए? उन्हें सेफ्टी देना सबसे पहली बात, उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे आसपास क्या है, सबसे पहले क्या है, हर संभव उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। हम अपने अनुभव और बुजुर्गों को साथ में लेकर के एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं है, आज उनका परिवार नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है उनके साथ खिलाफ करें, पर हम उनके साथ हैं, वे जो चाहते हैं वही होगा। स्वयं सेवी संस्था से मिलकर उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि इस पर सोशल वर्कर से हेल्प ले सकते हैं, यदि समस्या नहीं सुलझे तो पुलिस और मीडिया की सहायता भी लेने से भी नहीं कतराएंगे, हम उनकी बात मीडिया तक तो पहुंचा ही सकते हैं। हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती है, अपने शब्दों में लिखी, अगर हरियर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो जो दुखी और एकाकी जीवन में बिता रहे थे वे उन्हें मीडिया के हस्तक्षेप से न बिताना पड़ता, वे अपने पर हुए अत्याचार के लोगों से न केवल बताकर भयमुक्त हो जाते बल्कि कई उनके कारण कई और लोग भी जागृत हो जाते। साथ ही माइया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती, मीडिया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती कि कौन कैसा है, बहन और भाइयों का पर्दाफाश हो जाता, जो अपहरण करते हैं, जो धमकाते हैं, जो जबरन अंगूठा लगवाते हैं जमीन के लिए, अपराध में उन्हें जेल हो जाती, मीडिया उन्हें स्वतंत्र और भयमुक्त जीवन की उचित व्यवस्था भी करवा देती। इसलिए हमारा क्या है कि मीडिया का समाज में आज भी तीसरे नंबर पर मीडिया आती है। तो ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। अब आता है इस चैप्टर से, इतना बड़ा एक चैप्टर है, आप देख रहे हैं इस चैप्टर इतना बड़ा है, तो इस चैप्टर में
ये जो अंदर से जो क्वेश्चन है 25 पेज, इसके चैप्टर 25 पेज का एक चैप्टर है, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे एक दिन में करें, 2 दिन में भी ले सकते हैं, तो कल ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसके चैप्टर के जो अंदर से जो मेन मेन क्वेश्चन है उनको करने हैं। याद रखना क्लास 10th में चैप्टर में क्वेश्चन पूछता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे हमारे गुजरात में जो सरदार पटेल भाई जी की उनकी प्रतिमा है, ये नहीं पूछे जाने वाला कि क्वेश्चन कि वो प्रतिमा कहाँ है और कब बनाई और किसने बनाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग आता है कि जैसे ही सेम पानीपत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध फर्स्ट जो पानीपत का युद्ध हुआ वो कब कब हुआ, सेकेंड युद्ध कब हुआ, थर्ड कब हुआ, ये नहीं पूछा जाने वाला। पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, उसी स्थान पर तीनों युद्ध क्यों हुए, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। समझ रहे कि सीधा सीधा क्वेश्चन उसमें साइक्लोन डाली जाएगी, वो क्वेश्चन वो युद्ध वहीं पर क्यों हुआ उसका कारण बताइए। अब इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो उन पर कम बहुत फोकस होता है, इन पर ज्यादा फोकस होता है। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने इकट्ठे किए आप लोगों को, और मैं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पेपर में मैंने टाइप करके इनके आंसर निकाले हैं, आप इनको देख लो। हरिहर काका पाठ में जिस शैतान का उजागर किया गया है उससे आपको क्या सीख होती है, इनके ये आप क्वेश्चन इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है गांव के लोग कुमार पर रह चले, इसके लिए गांव में जो प्रबंध है आपको कौन कौन से जीवन मूल्य मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हरिहर काका पाठ से आज युवा की पीढ़ी को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपने किए तो आपके समझो संचयन से आपके मार्क्स में कोई काटने वाला नहीं। इसमें से इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो हरिहर काका से आते ही आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट में भी आता है, तो 7.5 ढाई नंबर का और 5 नंबर का 7.5 नंबर का तो फिक्स ही है इसी चैप्टर से। इस पार्ट के माध्यम से लेकर कौन कौन से जीवन मूल्यों को बताना चाहते हैं ये देखिए, तो इस तरह के हरिहर काका के पाठ के आधार पर लेके स्वार्थ लिप्सा का आजकल पारिवारिक संबंध कैसे बनते बिगड़ते हैं, स्वार्थ लिप्सा अर्थात अपने मन की लालसा एक इच्छा, आज धन सर्वोपरि समझ जाने लगा किसी कारण पारस्परिक संबंध में बदलाव आ गया, क्या लोग एक दूसरे से अधिक कमाने की होड़ में लगे हुए। ठाकुर बारी का भी काम क्या था कि लोगों को आस्था विश्वास की रक्षा करता है, परंतु मां के मेहनत तो पुजारी क्या करता है धन लोलुपता के चक्कर में अन्याय में साझेदार बन जाते, उनकी इस लिप्सा उनकी इच्छा की टिप्पणी करते बचने का उपाय बताइए। अब ये जो उपाय है बताइए, देखिए कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल आया है पेपर में, तो ये ठाकुर बारी सदा सच्चा होगा दायित्व। आप जो 5 नंबर में पूछ रहे हैं तो 5 नंबर का उसका आंसर भी तो 5 नंबर का होना चाहिए, जिसमें मेन मेन पॉइंट होने चाहिए। धार्मिक संस्थाओं समाज को आदर्श नहीं हो सकते, एक लाचार ऐसा है दुखी बुजुर्ग को उठाना, जबरन उठाना, उनकी जमीन जायदाद को हड़पने का प्रयास करना, मारना पीटना, बंदी बनाना, महंत व पुजारी के द्वारा किए गए ऐसे कुकृत्य बताइए जो धार्मिक संस्थाओं से लोगों को विश्वास डगमगाने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये आंसर है, क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दिया हुआ, शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता, इस तरह से आप करते जाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया, मैं आपको डेट दे दूंगा, उस दिन आपको नोटबुक स्कूल में आकर के सबमिट करनी होगी संचयन की, अभी 2 चैप्टर करने के बाद आप संचयन की नोटबुक जमा करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन होने चाहिए। और इससे पहले एक जो पैराग्राफ है जो चैप्टर के मैंने जब जहाँ चैप्टर एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, उसके बाद में जो 5 क्वेश्चन थे उनको भी आपको करना होगा। हरिहर आपको चैप्टर इतना बड़ा नहीं है जितना चैप्टर से ज्यादा आपको आंसर करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक दिन में कीजिए बेटा। हरिहर काका के साथ सगे भाई का व्यवहार क्यों बदल गया, अब हर क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए उतना माइंड आपके अंदर होना चाहिए। हरिहर काका के साथ सगे भाई का व्यवहार इसलिए बदल गया क्योंकि जीते जी रोना 15 बीघे जमीन अपने नाम करने से मना कर दिया, बताओ उनको जमीन वे जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे थे उनको नामी क्यों कराना था, पर भाइयों ने जुल्म और अत्याचार किए। हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति यानी उनकी प्रति उनके समझदारी, उनके प्रति उनकी इच्छा, उनके प्रति उनका प्यार क्यों के क्या कारण थे। अब हरिहर काका और लेखक के दोनों के बीच में क्या है,
बड़े ही मधुर और आत्मीय संबंध है, दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। तो इस प्रकार की जो बात है, तो देखिए हरिहर काका ने लेखक को बचपन में बहुत ही प्यार किया था। पहली दोस्ती किसके साथ हुई? हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका कहानी समझे किन पहलुओं के ध्यान क्यों आकर्षित करती है? क्या आपने भी हरिहर काका जैसे व्यक्ति का आसपास देखा है तो उसकी आप मदद किस प्रकार करेंगे? अपने शब्दों में लिखो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पांच नंबर में हरिहर काका के आध्यात्मिक अंधविश्वास की झलक मिलती है। धार्मिक अंधविश्वास है, मंदिर और पुजारी को बिल्कुल ही भगवान मान लेते हैं। भगवान का दर्शन मंदिर में तो पुजारी को दे देते, माथे सर टिका देते हैं। अरे पहले जान तो दो उसकी उसके हक के लायक है या नहीं है। साधु संतों के बेच में अपराधी लोग गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, चंदा के नाम पर लूटते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इस कहानी के द्वारा लालच स्वार्थ की झलक मिलती है। आजकल समाज में हरिहर काका जैसे लोगों का उदाहरण आसानी से मिल जाता है। आजकल कई बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, वृद्ध आश्रम में उन्हें भेज दिया जाता है। बताओ हम अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को कैसे बुजुर्ग आश्रम में भेज देते हैं? क्या हम इतने भी उन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, तो हमें हमारा क्या फर्ज बनता है कि उनको अपने साथ रखे, उनके सुख दुख में साथ रखे, उनकी सेवा करें बुढ़ापे में, क्योंकि जो आज उनका है कल को हमारा होने वाला है। आज जो जिस चीज की उनको मांग है, जिसकी जरूरत है, वो कल हमें होगी। तो गांव में चर्चा के केंद्र है हरिहर काका। हरिहर काका के बारे में से गिने चार चर्चाओं का वर्णन करें। ये देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार थर्ड पेपर में आया है। हरिहर काका आंगन खेत कल्याण बाग बची गांव हर जगह का चर्चा केंद्र है। उनकी 15 बीघे जमीन पर सिक्का हकों का ये क्वेश्चन नंबर है। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में थे जो टाइप हुआ था। ये पपत जो लिखा हुआ है इसको छोड़ देना, यहीं से आप क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। ये पीडीएफ बनाई है तो इसमें ये इस तरह से चेंज हुआ है बार बार, क्योंकि हिंदी में क्या है बेटा, हिंदी में जब भी फोटो को जब भी पीडीएफ बनाई जाती है उसमें चेंज आ जाता है। तो महंत जी ने हरिहर काका को एक कमरे में बैठकर प्रेम से क्या समझाया आप देखो। महंत जी क्या क्या कहते हैं? परिवार वालों पर क्रोध होकर काका को महंत जी ने समझाते हुए कहा कि यहाँ किसी का नहीं है, माया का बंधन है। अब देखो वे तुम्हें 15 हिस्से करके तुम उनको दे दोगे तो खून के सम्मान समाप्त हो जाएंगे। तुम ये खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, तुम बैकुंठ मिलेगा। कैसे बैकुंठ मिलेगा? अरे भगवान ने वो जमीन दी है, जब तक जो भगवान ने हमें धन दिया है उसका हमें सही जगह उपयोग करना चाहिए। तुम्हारा नाम रहेगा, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देखो लालच देते हैं। ठाकुर बारी संस्थाओं का नाम समाज के प्रति करते भूमो के महत्व पर प्रकाश डाली। ठाकुर बारी सत्ता संस्थाओं का ग्रामीण समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तो क्या है, किसी भी संस्था का दायित्व है कि समाज में बेहतर भावना को दूर दूर कर जन जन में प्रोपकार का भाव जगाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर है, आप इन्हें देखते रहिए। पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, संस्था समाज की कुछ आदर्श स्वायत्त से उनका विश्वास उठने लगता है जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। महंत क्या करते हैं द्वार पर? अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की सच्चाई को सामने लाता है। आपके मन में इस ठाकुर संस्थाओं के प्रति कैसी धारणा बनती है? महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण करवाना, उनकी दबंगई मौका परस्ती, लालची स्वभाव, अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर रहने व्यक्ति छवि हमारे सामने उभरती है कि जो साधु के वेश में क्या है, साधु के वेश में क्या है, ठग है, जो अनैतिक कार्य करता है, जो गलत कार्य करता है, धूर्त है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन से ये आंसर पूरा प्रॉपर वे में 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, मैन मैन पॉइंट करना चाहिए। परंतु क्या है कि बच्चे एक एक क्वेश्चन को 2 लाइन 3 लाइन याद कर लेंगे, उन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, इसके बाद आपको दोनों चैप्टर होने के बाद, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर होने के बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। अंत में हरिहर काका द्वारा जमीन के लिए लिया जाने वाला निर्णय क्या था और मैं परिवार के मूल्य को किस परिस्थिति में प्रभावित करता है और वे कैसे, यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है? और देखिए इस तरह का ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांव में ठाकुर बारी परिवार के सदस्य पूर्वक व्यापार पाकर अंत में हरिहर काका ने अपनी जमीन को क्या किया, अपने ही पास रखने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने समाज देखभाल के सेवक रख लिया, क्योंकि इतनी जमीन है वे खुद कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनको सूखा फूका खाना मिलता है और वो परेशान हो रहे हैं और वो भी इस अवस्था में। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार में सुख पूर्वक रहने के लिए आप किन जीवन, संयुक्त परिवार कहते हैं एक एक हमारा परिवार जैसे हम अपने माता पिता भाई बहन के सबके साथ रहते हैं,
पूरा दादा दादी के साथ रहते हैं, वो हमारा संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार हम उसे कहते हैं जो हम सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वो एकल परिवार हो गया। संयुक्त परिवार माता पिता के साथ में रहने को संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार भारत की संस्कृति परंपरा में महत्वपूर्ण अंग है, बहुत वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी कहां मिलती है? माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में रहने को मिलती है। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार में सुख पूर्वक रहने के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य आपसी प्रेम और स्नेह बड़ों का आदर देना मूल्य को सर्वोपरि मानते हैं। परंतु आजकल क्या है कि जैसे धन लोलुपता अहंकार या मनोवृत्ति को अपनाकर हर लड़का का संयुक्त परिवार तभी बिखरा जब परिवार के सदस्यों को संपत्ति यानी धन के लालच ने घेर लिया। स्वार्थ व लालच होकर की पूरी अवगत तो की गई, मान सम्मान भी दिया गया, परंतु जैसे भाइयों को स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में बाधा आई, उन्होंने अपने नकली मुखौटे उतार दिए जो वो दिखा रहे थे। हरिहर काका के पाठ के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवार को किन बारे में कुछ बताया, क्या तुम सहमत ताक दीजिए। लेखक ने संयुक्त परिवार को जो स्वरूप प्रकट किया है वह स्वार्थ स्थिति को प्रकट करता है, इससे पूर्णतः सहमत हूं। आज समाज में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, मानवीय मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं, एकाकीपन से जीवन जीने को विवश है, अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए निभा रहे हैं। आजकल रिश्तों में अधिक स्वार्थ के महत्व हो गया है, रिश्तों पर स्वार्थ की भावना भावी होती जा रही है। सच तो यह है कि रिश्ते ही मानवीय मूल्यों की पहचान होते हैं, अपने पराई की पहचान होती है, परंतु लालच के कारण क्या रिश्तों के प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जबरन हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए इस बात पर उसके टूटने का रिश्ता परिचय मिलता है। हरिहर काका के सदमे में होना, किसी से बात ना करना, उदास परेशान रहना, क्योंकि भाइयों ने भी उन्हें परेशान किया, महेंद्र ने का अनाज के गोदाम में डाल दिया, तो क्या है कि इस प्रकार से डरा दिया, अपने भी पराये हो जाते हैं धन के लिए, संपत्ति के लिए। हरिहर काका की कहानी का आधार पर सिद्ध कीजिए, ये देखिए 15 बीघे जमीन उनके लिए क्या हो गई, एक बोझ बन गई। काका के चिल्लाने पर उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। इस प्रकार हम देखते हरिहर काका उन्होंने गाँव के लोगों से देश पशु काका को डराया, धमकाया गया, यहाँ तक जाता पाई पर उतारे आया। तो क्या है, आपको इसकी पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी, आपको ये वीडियो मिल रही है, इसी से आपको रुक रुक करके ये वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए। फिर से मैं कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। हरिहर काका के परिवार वालों का बदलता व्यवहार आपको पानी के आधार पर बताइए। पहला चैप्टर जैसे कम्प्लीट होगा मैं आपको बता दूंगा, आपको स्कूल में आकर के नोटबुक सबमिट करनी होगी। सबसे पहले मैं संचयन को समाप्त करना चाहता हूँ, समाप्त संचयन जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इस प्रश्न फिर से चलेंगे। हरिहर काका के, और ऐसा नहीं है सभी को करना है, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, सभी को करना है ये। आप थोड़ा समय ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो। हरिहर काका के परिवार को बदलते हैं, परंतु मैं ये आपको रियायत दे रहा हूँ, पर आज सही में अगर क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी रियायत नहीं है। एक दिन में 3 घंटे के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए 32 पेज 35 पेज लिखने की, क्योंकि पेज ज्यादा है, क्वेश्चंस इतने बड़े आ जाते हैं कि आपको आपके हाथ उठने लग गए, वहां पर आप झटकने लग गए, अब क्या आप थकावट के आपको थकावट चढ़ गई है, तो और थकान के कारण आप क्या करिए, पेपर को छोटा करके आ गए। नहीं बेटा, बड़े बुजुर्ग को संवेदनशील होने की आवश्यकता, एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, आपको इस तरह से आपको एक करते जाना है, एक क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर के अंदर से पूछे गए, ये मैंने पुराने पेपर में से उठाए हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको इसके साथ मैंने जोड़े भी लिए, आंसर टाइप किए हैं और पीडीएफ बना करके मैं इसको आज की वीडियो आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाती तो मैं इसके लिए इसको समझा रहा हूँ। पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ दे दूंगा तो आप इसको देखेंगे या समझ में नहीं आने आपके आने वाला, मैं एक्सप्लेन मेरा करने का मेन मकसद यही है। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।